ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आप जाने जानो, आप जाने जानो। मरण मुने सा सूर्या हक है, मरण मुने सा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, जो होए मरे परवानो। मरण मुन सा सूर्या हक है, मरण मुन सा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, जो होए मरे परवानो, जो होए मरे परवानो, जो होए मरे परवानो। मरण मुन सा सूर्या हक है, मरण मुन सा सूर्या हक है, मरण मुन सा सूर्या हक है। वाहे गुरु। जो तो प्रेम खेलन का चा, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तार तली गली मेरी आओ, सिर तार तली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खेलन का चा, जो तो प्रेम खेलन का चा, जो तो प्रेम खेलन का चा, जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तार तली गली मेरी आओ, सिर तार तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी दे, सिर दी जयकार न कीजे, इत मार्ग पैर तरी दे, सिर दी जयकार जयकार न कीजे, सिर दी जयकार न कीजे, जो तो प्रेम खेलन का चा, जो तो प्रेम खेलन का चा, जो तो प्रेम खेलन का चा, प्रेम खेलन का चाओ।
तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी गगन दमामा बाजियो परियो निशान आओ, खेत जुमांडी सूरमा अब दूजन को दा अब जुजन पौधा जो तो प्रेम खेलन काचा, 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 सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी कट मरे कबू नशा खेत, कबू नशा खेत, कबू नशा खेत, जो तो प्रेम खेलन काचा, 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 सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आ, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास, हो सपना की रेणुका तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, जो तो प्रेम खेलन काचा, 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 सिर तर तली
गली मेरी आओ सिर तार तली गली मेरी आओ सिर तार तली गली मेरी आओ सिर तार तली गली मेरी आओ जापो हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा से सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे हर तन जिन्नी संजया से गंभीर अपार जियो से सुंदर सोहणे वाहो करे सही जान 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 सोहणे तिन को पर जा पूजण आई 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 वाहो करे सही जान सोहणे 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 वाहो करती रसना शब्द सुहाई वाहो करती रसना शब्द सुहाई पूरे शब्द प्रभ मिलिया आई पूरे शब्द प्रभ मिलिया तिन को पर जा पूजण आई 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 वाहो करे सही जान सोहणे 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 वड पागिया वाहो मोह कढ़ाई
वट पाकिया वाहो वाहो मोह बड़ा वाहो वाहो करम परापत हो सच शोभा पाई नानक दार सच शोभा पाई तिन पौ पर जा पूजन आई 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 वाहो वाहो करे से जन सोहणे 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 तिन को पर जा पूजन आई 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 वाहो वाहो करे से जन सोहणे 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 वड पाकिया वाहो वाहो मोह कढ़ाई वड पाकिया वाहो वाहो मोह कढ़ाई वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे वड पाकिया वाहो वाहो मोह कढ़ाई वड पाकिया वाहो वाहो मोह कढ़ाई वाहो वाहो करम परापत होवे वाहो वाहो करम परापत होवे नानक दार सजे शोभा पाई नानक दार सजे शोभा पाई तिन को पर जा पूजन आई 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 वाहो वाहो करे से जन सोहणे 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 वाहे गुरु। परम सन्मान जो जुग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पान पित्र हजूरी पत्र हो बैठे सत्संगी जन बड़पागी हो जो पंथ दिया महान शख्सियतां श्री ननकाणा साहिब जी दे समुचे शहीद तिना दी याद विच तकरीबन 100 साल पूरे हो चुके हन
शताब्दी समागम मना रहे हो। समुची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष तौर पर उपराला आप समुची संगत के सहयोग के नाल सतगुरु जी की अपार बख्शिश रहमत सदका आप गुरु चरणों में बैठे हो सतगुरु जी सबह सात संगत दाजरियां दरकर प्रवान कर समुची प्रबंध का धनवाद कोटन कोट शुकराना साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिन्हों ने तरस करके दासियों तो गुरबाणी कीर्तन की सेवा ली गज वज के गुरु फतेह बुलावो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतेंद्रबीर सिंह जी हजूरी कीर्तनीए सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिन्होंने आप संगतान गुरबाणी कीर्तन के द्वारा निहाल किया। सतसंगत जीओ जिन्हां महान शहीदों की शहादत नूं सिजदा कर रहे हैं उन्हां दीआं शहादतां इस गल दीआं गवाह ने कि सिख दे जीवन दे विच गुरु घर का की महत्व हुंदा है। ये शहादतां बहुदिशावी ने, यह शहादतां बहुतारावी ने और सिख दे जीवन दे विच गुरु घर का की महत्व है इस प्रगटावे का सिखर ने जिहड़ियां शहादतां होईआं ने और उन्हां शहीदां नूं असीं नतमस्तक हो रहे हैं। साडे दरम्यान बहुत सत्कारयोग एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी मुख सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जरा समुचा प्रबंध वेख रहे ने उचे उचे तौर पर पहुंचे ने जी आए आखते हैं। और साध संगत जी जो अमृत संचार पिंड गोदरपुर विखे होना है वह पिंड के गुरु घर विखे होगा जिन्हों संगत ने अमृत पान करना है वह कृपा करके पिंड के गुरु घर विखे पहुँचने की खेचल कर। साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई नरभै सिंह जी हजूरी कीर्तनी जथा अगले 15 मिनट वास्ते आप संगतां दे दीदार कर रहे ने जी। होर भी दूरों नेड़ियों देशों विदेशों तो संगतां उचेचे तौर पर नगर गोदरपुर विखे पहुँच रही ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आला दर्जे के इंतजाम किए हुए ने और बहुत खुशी की गल यह है कि जितने भी शहीद साका ननकाणा साहब के होए ने तिना तमाम शहीदों के परिवार जिन्हां तक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पहुँच कर सुकी करन दे विच सफल रही क्योंकि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सतसंगत जी वचनबद्ध है उन्हां कौमी परवानियां नूं पूरा माण सत्कार देण दे लई जिन्हां ने कौम दे उत्तों अपना आप कुर्बान किया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां तमाम परिवारां नूं जीआं आखदी है जिहड़े उचेचे तौर ते अज पिंड गोदरपुर विखे शिरकत कर रहे ने। आओ बड़े प्यार सत्कार सहित सरवण करिए भाई नरभै सिंह जी हजूरी कीर्तनी जथा सचखंड श्री हरिमंदर साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कांडे कच्चिया
इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरे आज न नाम ते भोए पार छिए सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबू न सके सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत पहला मरण कबूल जीवन की शटवास मरण कबूल जीवन की शटवास ओहो सपना की रेणका तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए रे दीन के हे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबू ना सटे के सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हे सूरा सो पहचानिए डोल रे जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद जिस मरने ते जग डरे मरने ही ते पाए पूरन परमानंद पूरन परमानंद पूरन परमानंद सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबू न सटे खेत सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत सूरा सो पहचानिए डोल रे दीन के हेत डोल रे दीन के हेत
ਡੋਲ ਰਹਿ ਦੀਨ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਜੀਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਜੀਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਜੀਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਜੀਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਸਿਓ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਵਰ ਨਾਮਾ ਪਾਖੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਵਰ ਨਾਮਾ ਵਾਣਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸਫ ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਰ ਸਿਓ ਨੈਣ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਏ ਕੇ
ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਰਨ ਤੁਰਾਵਾਂ ਚਰਨ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਰਨ ਤੁਰਾਵਾਂ ਚਰਨ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ ਚਰਨ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ ਚਰਨ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਹਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਹਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਈ ਜੀਦਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀਰਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀ
भीषण की सुत मावा नानक की प्रभ पास विनंती तेरे गन देखन पावा नानक की प्रभ पास विनंती तेरे तन देखन पावा तेरे तन देखन पावा तेरे तन देखन पावा जन्म मरण तू मैं नहीं जन अरुप करिया जन्म मरण तू मैं नहीं जन अरुप भक्ति लाइन जीदान दे भक्ति लाइन हर सो नैन मिलाए हर सो नैन मिलाए जन्म मरण तो मैं नहीं जन पर उपकारिया जन्म मरण तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो जब आप पर का मिट गया जत देखूं तत तू जत देखूं तत तू कबीर जत देखूं तत तू 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 करता तू मुझ में रहा न हूँ जब आप पर का मिट गया जत देखो तत तू कभी जत देखो तत तू 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 करता तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ जब आप पर का मिट गया जत देखो तत तू कभी जत देखो तत तू 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 करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ तू तू करता तू मुझ में रहा न हूँ जब आप पर का मिट गया जत देखो तत तू जब आप पर का मिट गया जत देखो तत तू 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 कबीर तू तू करता तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ जब आप पर का मिट गया
जत देखो तत तू कबीर जत देखो तत तू जत देखो तत तू कबीर जत देखो तत तू 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 सो गुरु प्यारी सत्संग जी महान योधे भाई लक्ष्मण सिंह जी जिन्हां दी 100 साला शताब्दी नूं बड़े प्यार दे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते इलाके दी संगत पूरे समाज दी संगत रल मिल के उत्साह दे नाल मना रही है। सो सतगुरां दी गुरबाणी दा कीर्तन करदे आं। बेअंत अनेकां भुल्लां कीतियां ने होईयां भुल्लां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो निहाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई निरभै सिंह जी हजूरी कीर्तनी जथा सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिन्हां ने मनोहर गुरबाणी कीर्तन के द्वारा आप संगतां नूं निहाल कीता। सतसंगत जी जिथे देशों विदेशों तो उचेचे तौर पर साडे दरमियान वड्डी गिनती दे विच संगतां शिरकत कर रही ने उत्थे साडे अति सत्कारयोग सरदार अजायब सिंह जी अभ्यासी मैंबर धर्म प्रचार कमेटी रतन सिंह जी जफरवाल मैंबर धर्म प्रचार कमेटी पहुंचे ने। मैं बेनती करांगा अगला हजूरी कीर्तनी जथा भाई सुखजिंदर सिंह जी आप संगतां नूं लगभग अद्धे घंटे वास्ते निहाल करनगे। सतसंगत जी जिस समय गुरुद्वारियां दे प्रबंध दे सुधार दी लहर दी गल चल रही सी उस समय सीआईडी दीआं जिहड़ियां रिपोर्टां वायसराय नूं पहुंच रहीआं सन सानूं उस समय दा जिहड़ा हवाला मिलदा है आर ई इगटन एक रिपोर्ट भेजदा वायसराय नूं। उस रिपोर्ट दे विच ओह कहिंदा जनाब मैं समझदा कि सिखां दे हाथ दे विच सीधा गुरु घरां दा प्रबंध नहीं देना चाहीदा। ओह कहिंदा साडा इह सियासी कतल होवेगा जिस तरह असीं पिछले 30 सालां तों सिखां नूं अपने दबदबे दे हेठ रखिआ है जेकर तुसीं चाहुंदे हो इह जारी रहे ते सिखां दा सीधा दखल गुरद्वारिआं दे विच ना दिओ इहनां दे हथ गुरद्वारिआं दी कमांड ना दिओ। मैं सोच रिहा सां कि जेकर उस समय हुकूमतां नूं डर होवेगा कि जेकर गुरु घर सिखां दे कोल चल गए इहनां दी ताकत वध जाएगी जे अज साडे कोल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है ते इह किवें बर्दाश्त करदे होणगे तुसीं आप अंदाजा लगाओ। इह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भंडण दीआं तमाम कोशिशां करदे ने मीडिया दे राहीं कई कोशिशां करदे ने कारण इही है कि सिखां दे हत्थां दे विच ताकत है। उस समय दे जासूस इह गल सरकार नूं कहिंदे सन कि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी स्टेट विद इन स्टेट है ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਓ
पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाव ना जाने मेरा कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब गोत सधौरा ली आनंद गुणी निदान गुरु गरीबन वाज गरीबन वाज गरीबन तुम रहो गोविंद रावण जोग तुम रहो गोविंद रावण जोग तुम रहो गोविंद रावण जोग जित रवे सुख सहज रवे सुख सहज तुम रहो गोविंद रावण जो तुम रहो गोविंद रावण जो सकल इच्छा जप प्रभ मेले चीरी विसुन्निया प्रभ मेले चीरी विसुन्निया प्रभ मेले चीरी तुम रहो गोविंद
मेरा गुण अवगणना विचार प्रभु नानक चरण पुजारिया। प्रभु नानक चरण नानक मंतन सुखी हो अंते मिले गोपाल हर को नाम त्याग गए हो हरे भाई कर्म कंद पाई है तेरु सुहाई वट तपन मोले आए अमर बल पाई मिल सब सुख डेल सब शाही नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न धाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न धाई। बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम तिहाय कै हो हरिया पाई कर्म लखन ते पाई है एर सुहाई बण त्रण त्रिपौन मौलिया अमृत फल पा मिल साधु सुख उपजे लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौ न धाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौ न धाई जीत लाए कोई महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया पर गासा पाया पद निर्बान पंजवट मामले कर सटटुआ अपि गंज पाइन वचदा खड़ुआ रोग समिट गए नित नवान दिन रहना प्यादा फिर पाई उपजया नानका सोई फिर हो जिसते उपजया नानका सोई फिर हो पंजे बदे महाबली कर सटट हुआ अपने चरण जपायन विच दयो खड़ुआ रो सो समिट गए नितनवा नरुआ दिन रे नाम ते आईदा फिर पाए नामुआ जिसते पजा नानका सोई फिर हुआ जिसते उपजा नानका सोई फिर हुआ। नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार
सब जगत करे नमस्कार। ओ नाते मुख साति उदले ओ नाते मुख साति उदले मुख साति नमस्कार 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 ओ नानू ओ नानू सब जगत करे
जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। हाँ बलहारी लीन हाथ
नानक लालो लाल है सच्चे रता सच देखो जे कह कै न सुनावे जी जस कस ते कौन तनका कहते सुन सेवक सुहावे अगम गुत साबो दुसनावे सच खोए गुरु उपदेश नानक सुनावे सच खोए गुरु उपदेश नानक सुना किथो जे कह रहे कै मैं सुनावे जी सब खसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे अगम गुजर साहेब दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत दिवस रात दुदाई दाया खिले सगल जगत चगियाया बुरियाया वाचै धर्म हदू करमी आप अपनी के निर्णय जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटिया जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सो निहाल एसन भाई सुखजिंदर सिंह जी बाबा बकाला हजूरी कीर्तनी जथा सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिन्हां ने आप संगतां नूं मनोहर गुरबाणी कीर्तन दे द्वारा निहाल कीता है। साध संगत जी साडे दरमियान बड़े खुशी दे पल ने जिथों देशां विदेशां तों संगतां नतमस्तक हो रहीआं ने पिंड गोदरपुर विखे शहीदां नूं याद करदिआं होइआं उत्थे उचेचे तौर ते साडे दरमियान बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले बाबा जीवा सिंह जी दमदमी टकसाल तो सरदार गुरनाम सिंह जी जसल मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार सुखबीर सिंह जी साबका चेयरमैन बीबा परमजीत कौर जी छाबड़ा डायरैक्टर घट गिनती कमीशन गुजरात दे बीबी बलजीत कौर जी बाबा बुद्ध सिंह जी बाबा सुखविंदर सिंह जी अगवान साहब सरदार रणधीर सिंह जी घुमन सरदार जसबीर सिंह जी घुमन सरदार सुखजिंदर सिंह जी सोनू सरदार रमनदीप सिंह जी संधु सरदार परमवीर सिंह और सरदार रणजीत सिंह राणा उचेचे तौर पर वड्डी गिनती दे विच संगतां नतमस्तक होण दे लई इत्थे आईआं ने सारिआं नूं असीं जी आयां आखदे हां और धन्नवाद कहिंदे हां। आओ बड़े ही प्यार सत्कार सहित सरवण करिए सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब महाराज जी की गुरु रामदास जी की बड़ी अपार बख्शिश है बड़े तत्वेदा ने बड़े ज्ञानवान ने और इन्हों की अपनी एक शैली है कथा करन दा एक ढंग है एक शैली है बड़े सुखैन तरीके दे नाल अपनी गल नूं इतिहास नूं संगतां तक पहुंचदा करदे ने। आओ बड़े प्यार सत्कार सहित सरवण करिए जयकारे दे नाल बोले सो निहाल। सत संगत जी सिंह साहब जी तो पहला मैं दो तीन जयकारे आप संगतां तो बुलवाना चाहवांगा एक माहौल बन जाता है चढ़दी कला दे नाल। पंथ की राज करेगा देग तेग
चूल ते निशान रहे पंथ महाराज के, चूल ते निशान रहे। आओ बड़े प्यार सत्कार से सरवण करिए सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से आगे आखिए, दरगे पावे साची मानो, दरगे मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख ना लागे, कर एक त्यावे ता फल पावे, जित सेवै पौ भागै, ऊचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूरिया हक है, जो हुए मरे परवानो, जिस प्यारे स्यों ने हो तिस अगे मर चलीऐ, त्रिग जीवन संसार तांके पाशे जीवना। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, दसा पातशाहियां दी जोत साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर, उस नगर विच जिथे जथेदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली, जिन्हां दा जन्म भावें पिंड धारोवाली दा, वड्डे वडेरे चक धारोवाली जो अजकल पाकिस्तान है उत्थे चले गए सन, भारत पाकिस्तान दी वंड तों बाद इस स्थान ते उन्हां दे परिवार नूं जो जमीन अलाट हुई सी, जथेदार सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे भरा ते उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी इंदर कौर दे समेत, जो अज तों 75-70 साल पहला इस धरती ते आके उन्हां ने रहना शुरू कीता ते शहीदी साके दा जो 100 साला श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह सिख जथेबंदियां आप सारियां संगतां दे सहयोग सदका मनाया जा रहा है। 3 रोजा इन्हां गुरम समागमां विच आप जी ने बड़ी श्रद्धा भावना सहित हाजरियां भरियां ने। मानयोग प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बीबी जगीर कौर अते समुचे मैंबर साहबान, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सकत्तर साहबान सारिआं दे सहयोग सदका संगतां दे मन अंदर बड़ा इस गल नूं लै के उत्साह है। अरदास सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली उन्हां दे परिवार विच वी हुण हो के आया है ते परिवार अंदर भी एक अजीब किस्म दी जिहड़ी इस शहीदी शताब्दी जो 100 साला दे रूप विच मना रहे हन उन्हां नूं एक माण एक फखर जिहड़ा है वह महसूस हो रहा है। आओ शहीदी साका ननकाणा साहिब दे समूह शहीदां नूं आपां अज 100 साला शताब्दी दे रूप विच याद कर रहे हां। दास तों पहलां अति सत्कारयोग भाई साहिब भाई सुखजिंदर सिंह जी
हजूरी रागी जथा सचखंड श्री हरिमंदर साहब उन्हां वल्लों गुरु कीआं संगतां नूं रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण करवाया गया है। दास जी ते अपनी हाजरी गुरु चरणां विच लवाओ सारे प्यार सहित आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें हर घर तक पहुंचण वास्ते दर दी दरवाजे की लोड़ हुंदी है इसे तरह असी परमात्मा दे घर तक पहुंच सकीए। गुरबाणी अंदर गुरु द्वारा होए सोझी पाई से दा सिधान जिहड़ा उह सतगुरां ने सानू बख्शिश कीता है। गुरु द्वारे दा अर्थ गुरु दे राही गुरु दे द्वारा भी है ते गुरु दा दर भी है। अज भी असी अरदास विच पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु ये शब्द उचारण करदे हां। जिथे जिथे भी सतगुरां दे मुबारक चरण पए सतगुरां ने मनुखता दे कल्याण हित परोपकारी उपदेश बख्शिश कीता। भाई साहब भाई गुरदास जी दे कथन मुताबक जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। गुरबाणी विच भी सतगुरां ने यह सिद्धांत रूपमान करदिआं फरमाया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। धरती दी पुकार नू सुन के जगत गुरु नानक पातशाह जी 1469 नू राय भोए दी तलवंडी श्री ननकाणा साहिब पाकिस्तान विखे प्रगट होए जिथे साडे समुचे गुरधाम जिन्हां बारे भाई साहिब भाई कान सिंह जी नाभा ने महान कोश विच लिखिया है कि गुरद्वारे जिथे भुखे लई लंगर जातरू लई रिहायश रोगी वास्ते हस्पताल उत्थे अध्यात्मक खोजियां वास्ते आत्मा लई परमात्मा नूं मिलण वास्ते एक ऐसे स्थान ने जिथे बैठ के प्रभु भगत गुरसिख इबादत करके उस सच्चे प्रभु दे विच अपनी लिव नूं अपनी सुरत नूं जोड़दे ने। सतगुरां ने गुरबाणी विच इन्हां अस्थानां नूं सत संगत जां चठसाल भी किया और नाल ही स्पष्ट भी कीता कि इन्हां अस्थानां ते जुड़ बैठ के जिथे हरी परमात्मा दी सिफत सलाह दे गुण सिखणे ने जिथे असी आत्मक खोज करनी है आपा चीनना है जिथे बैठ के प्रभु मिलाप लई अंदर बिरहों दी तड़फ पैदा करनी है उथे गुरु नानक साहब जी ने जो राज योग गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मीरी पीरी ते गुरु कलगीधर पातशाह ने संत सिपाही दा संकल्प संसार दे सामने रखिया धर्मशाला जां गुरु अस्थाना ते गुरसिख जिथे आत्मक पढ़ाई पढ़न वास्ते जुड़दे उथे जिहड़ी सिख राजनीति जो सतगुरां ने सानू बख्शिश कीती है उहदे लई वी गुरु कीआं संगतां दा जिहड़ा इकट्ठ है वह गुरु घरां दे विच हुंदा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिक्र कीता गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेला सरना वंदा गुर के बचन उचार कै धर्म साल दी सुरत करंदा किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा गुर सिखा नू दे कर पिछों बचिया आप खवंदा कली काल प्रगास कर गुर चेला चेला गुर संदा गुरमुख गाडी राह चलंदा। जिथे साडे सारे ही गुर अस्थान सत्कार योग ने जिन्हां दे दर्शन करके सिख नदरों नदर निहाल हो जांदा उत्थे सारे गुरधामां दे विच्चों श्री ननकाणा साहिब श्रोमणी अस्थान है जिथे सिख पंथ दे बानी जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु नानक साहिब जी दा प्रकाश होया ते सतगुरु गुरु नानक साहिब जी बचपन तो ही जन्म तो ही अपने प्रकाश तो ही गुरु ने इस करके उन्हां दी आमद दे नाल गुरबाणी दी विचारधारा दी भी आमद हुई
इस करके श्री ननकाणा साहब के दर्शनों लई हर सिख जिहड़ा है वह सदा तरसदा ते सफरी साहब होना ने यह जिहड़ियां तुकां लिखियां ने कि मन के अंदर यह वलवला आउंदा है कि कदों गुरु के उस अस्थान के दीदार हो सकन जिथे मेरे गुरु नानक साहब जी प्रगट होए ने। सचमुच उस पवित्र स्थान ते जिथे सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने कदे पांधा गोपाल जी नूं इह उपदेश दिता सी कि दुनियावी लेख लिखदिआं तां जिंदगी बतीत हो गई पर कदे अजिहे लेख भी लिखने चाहीदे ने जिहदे नाल अगला लेखा निबड़ जाए। ते जदों पुछिआ भी उह लेखा लिखण वास्ते कागज़ किहड़ा, कलम स्याही ते दवात उस्ताद किहड़ा, ते मेरे सतगुरु जी ने उस पवित्र धरती ते उपदेश बख्शिश कीता सी, जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लखारी, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम सलाह लिख लिख अंत ना पारा वार, बाबा ए लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिया तिथे होए सच्चा निशान। जिथे मेरे सतगुरु जी ने पंडित हरदयाल जी नूं सिख्या दित्ती सी कि धार्मिक जगत विच चिन्हां दी बड़ी सार्थकता है, पर जदों चिन्ह केवल विखावे मात्र रह जान, वह केवल धर्म लई नहीं सगों संबंधित समाज वास्ते भी घातक सिद्ध हुंदे ने। धार्मिक चिन्ह पहनण दे नाल नाल दया, जत, संतोख आदि गुण जिहड़े ने इन्हां दा धारनी होना बड़ा जरूरी है। दया, कपा, संतोख, सूत, जत, गंढी, सत, वट, ए जनेऊ जी का हई तां पांडे ਘਤ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੱਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਦੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਲਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1839 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਬਰਾਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੰਡਾ ਸਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਮਹੰਤ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤਿੰਨੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੇਰੀਆਂ ਘੜ ਕਰਕੇ ਬੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤ ਆਦਿਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀ ਨਾਦਰ ਤੁਸੇ ਡਰਤਾ ਥਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਖਾਮ ਖਾਤਾ ਥਾ, ਤਬ ਤੁਝਕੋ ਏਕ ਲਗਨ ਥੀ ਦੁਖੀਆਂ ਕਾ ਦਰਦ ਵਡਾਨੇ ਕੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਸੁੱਤ, ਕਾਲੂ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਲਾਲੂ ਨੇ ਭਤੀਜਾ ਮੂਲੇ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਲੇ ਕਰ, ਮੂਰਖੋ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜਾਣਿਓ ਬਾਪ ਕਰ, ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰੂਪ ਮੇਰੋ ਭਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਰਾਏ ਜੀ ਬਲਾਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ
छूत छात ते जात पात दे वितकरे नूं खत्म करन वास्ते सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली ते साडे पुरातन गुरसिखां ने बड़ा वड्डा जतन कीता। ते दूसरा खास करके औरत जगत दा बड़ा सत्कार करदे सन जथेदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली। उन्हां दिनां दे विच पचंगण विद्यालय दे विच बीबियां नूं विद्या पढ़न वास्ते भेजना ये एक उन्हां दी दूर अंदेसी सी। ते अज जदों असीं उन्हां नूं 100 साला दे रूवे याद कर रहे हां ते साडे मनां विच वी इस गल दा अहसास होना चाहीदा कि समुची मनुखता जिहड़ी है एक अकाल पुरख वाहिगुरु दा नूर है। और खास करके कोई औरत है कोई पुरश है गुरु की बाणी दा निरना है इत्ते औरत मरदा साजे ये सब रूप तुम्हारे। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे फलसफे नूं गुरसिखां ने बहाल करन वास्ते जतन कीता कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे इन्हां सिखां दी अरदास करवाई जावे। जदों महंत नहीं सन मनदे ते फिर शस्त्रधारी हो के सरदार करतार सिंह जी झब्बर ते होर गुरु के सिख उत्थे पहुंचे जिन्हां ने यह किया कि तुसी अरदास करके सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो मुख वाक लै के पुछो ते जो सतगुरु जी आग्या देणगे उस मुताबक असीं चलांगे। ते सतगुरु जी ने आग्या बख्शिश कीती निगुणिया नूं आपे बख्श ले भाई सतगुरु की सेवा लाए। कहिंदे सारियां दियां अखां नाम हो गईयां ते पुजारियां ने भी अपना हाथ छड़ दिता ते गुरु के सिखां ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब का प्रबंध अपने हत्थां हेठ लिया। मुड़ के यह सारी संगत श्री अकाल तख्त साहब विखे मत्था टेकन गई ते सारे पुजारी जिहड़े सन उत्थों भज गए। श्री अकाल तख्त साहब जी ते इकट्ठ करके उन्हां दिनां दे विच नवंबर का महीना 1920 श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुढ़ बजिया 175 मैंबर चुने गए। जदों इस तरह गुरद्वारियां दी आजादी ते बहाली वास्ते सिख जतनशील सन ते सरदार तेजा सिंह पुचर ते होर कौम दे आगू जिन्हां कहा सी श्री दरबार साहब तरन तारण साहब जाके उस गुरु घर का प्रबंध भी सिख संगतां दे राही करवावांगे, पर हकूमत ने अपने जबर नाल उन्हां नूं रोक लिया। पर सरदार हजारा सिंह अलादीनपुर वाले ते सरदार हुकम सिंह जी वसाऊ कोट गुरदासपुर वाले उन्हां ने जाके उत्थे शहादतां प्राप्त कीतियां ते श्री दरबार साहब तरन तारण साहब दा जिहड़ा प्रबंध सी उह सिख संगतां दे हत्थां विच आया जिथे गुरु के बाग दा महंत सुंदरदास मन आईयां करदा सी। उत्थे श्री ननकाणा साहब विखे महंत नरैणू जिहड़ा इस तों पहलां वड्डे महंत जिहड़े सन जिहड़े गुप्त रोगां कारण कई बीमारियां दे लग जाण कारण रब नूं मानो प्यारे हो गए सन जिन्हां दी मौत हो चुकी सी। महंत नरैणू ने सिख संगतां दे सामने यह प्रण कीता सी कि मैं उन्हां महंतां वांग मन आईयां नहीं करांगा, पर बाद विच ऐश प्रस्ती दे कारण यह भी भोगां विच वकारां विच ग्रस्त हो गया। मैं संखेप विच बेनती करां कि श्री ननकाणा साहब दे साके दा जिहड़ा प्रमुख कारण सी कि जदों गुरु कीआं संगतां श्री ननकाणा साहब दर्शन करन वास्ते जांदियां कई वार दरवाजे बंद कर ले जांदे, अमृतधारी गुरसिखां दा अपमान कीता जांदा, इत्थे तक भी कहा जांदा कि जिहड़े दर्शनां नूं आउणगे उन्हां नूं बेपत कीता जावेगा। दो प्रमुख उदाहरणां साडे सामने ने कि सिंध दा रहण वाला एक सैशन जज सेवा मुक्ती तों बाद उहदे मन विच आया कि मैं श्री ननकाणा साहब विखे रात रवां सतगुरां दा शुकराना करां। उसने इत्थे रात रहण वास्ते जदों जिस कमरे विच ठहरे होए सन उस विच हनेरा सी एक दीवे दी मंग कीती ते महंत दे गुंडिया ने यह कह के कि जे दीवे लई तेल चाहीदा ते आ जिहड़ी तुहाडे नाल छोटी बच्ची साडे नाल भेज देवो। उन्हां ने विश्वास करके भेज दित्ती। महंत दे गुंडिया ने उस छोटी जी बच्ची नूं वी बेपत कर दिता ते फिर डरावे दिते कि जे कुछ किया ते असीं बच्ची समेत तुहानूं मार देवांगे। पिंड जड़ां वाले तों पूर्णमाशी वाले दिन जिहड़ा जोड़ मेला भरदा सी संगतां दर्शनां लई आईआं ते 6 बीबियां जिन्हां दी ट्रेन निकल गई उन्हां ने सोचिया कि अज रात दा टिकाणा इत्थे कीता जावेगा। महंत नारायण दास दे जिहड़े गुंडे सन उन्हां ने उन्हां बीबियां नूं वी बेपत कर दिता। जदों इह सारियां खबरां गुरु के सिखां नूं मिल रहियां सन चाहे उह सरदार करतार सिंह झब्बर सन
चाहे सरदार लक्ष्मण सिंह चक धारू वाली जो अजकल पाकिस्तान विच है, चाहे सरदार टहल सिंह, चाहे अमृतसर की धरती ते उस वेले दे जेड़े सिख प्रमुख आगू सन, चाहे हरबंस सिंह जी अटारी वाले, मास्टर तारा सिंह जी जां होर जेड़े सिख जदों ये खबरां सुनदे ते उन्होंने महंत दियां इन्हां कारवाइयां नूं ठल पाउण वास्ते एक ऐलान किया कि 5 ते 6 मार्च 1921 नूं एक बड़ा वड्डा इकट्ठ जिहड़ा है वह बुलाया जाएगा ते उहदे विच फिर निर्णा लैणा है। महंत बाहरों इस गल नाल सहमत हो गया पर अंदरों यह सोच रहा सी कि कुछ समा टाल मुटाल किया जाए, पहला भी उन्हें कई बहाने ला के मीटिंगां टाल दित्तियां, पर जदों सरदार उत्तम सिंह दे कारखाने विच जिहड़ा सरदार वरियाम सिंह मुख मुंशी दे तौर ते काम करदा सी, उह सरदार करतार सिंह झब्बर दा सूईआ सी, उह महंत दे नाल रह के पूरी खुफिया रिपोर्ट सिखां तक पहुंचाउंदा सी, सिखो तुसीं तां 5-6 मार्च नूं वड्डा इकट्ठ करन लई कह रहे हो, पर महंत ने ते इह सोचिआ पिआ कि जदों खालसा पंथ इत्थे इकट्ठ करेगा असीं तलवारां नाल, असीं टकुए छवियां नाल, असीं तेल दे पीपे पा के अग ला के गोलियां चला के इन्हां नूं नेस्तो नबूद कर देंगे। जदों इह खबरां प्रमुख सिखां दे कोल पहुंचियां ते जिहड़े प्रमुख सिख आगू सन उन्हां ने जतन कीता कि जिहड़ा ये 5-6 मार्च वाला इकट्ठ है इस दिन बहुत वड्डा उत्थे हमला होने वाला है, पर जदों जथेदार लक्ष्मण सिंह धारू वाली, सरदार टहल सिंह जां सरदार करतार सिंह झब्बर उन्हां नूं पता लगा ते उन्हां ने एक सलाह की, कहण लगे ना तो असीं महंत नूं दसांगे ना श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, असीं जथा लै के जावांगे ते श्री ननकाणा साहब विखे शहीदियां पा के श्री ननकाणा साहब नूं महंता तो असीं आजाद कराउणा है, क्योंकि अंदर एक चा सी मेरे सतगुरु दे बचन ने जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ, दुनिया की कोई खेड भी चाओ तो बिना नहीं खेडी जा सकती, ते जिन्हों प्रेम की खेडन खेड खेडन की लगन लग जाए, साहब कहिंदे जिहदे अंदर यह चा होवे ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20-21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਚੱਕ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਚੰਦਰ ਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੱਠਿਆਂ ਲਾਗੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅੱਗ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੜਿਆ ਉਹ ਅੱਗ ਪਰਵਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
कि जिथे छमा जल रही होवे ते परवाना आउंदा है वो परिक्रमा करके छमा दे उपर कुरबान हो जाता है। भाई गुरदास जी भी लिखते ने, दीपक जगाए जैसे राखी है दुराए ग्रे, प्रगट पतंग ता मैं सहज समात है। क्योंकि जदों भी परवाना जेड़ा है, परवाने जिंदगी दा इतबार नहीं करते, छमा ते सड़ मरनों नहीं डरते, रोकण दे बावजूद भी जिथे सरदार करतार सिंह झब्बर रुक गए उत्थे सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली, सरदार टहल सिंह 150 दे करीब सिंघां दे समेत श्री ननकाणा साहिब पहुंच गए। सरदार दलीप सिंह ने बड़ा जतन किया लभ्या जावे, पर उन्होंने सरदार वरियाम सिंह होना नूं पत्र दे के आप जथे नूं लभण दे विच चले गए, पर जथा श्री ननकाणा साहिब पहुंचण दे विच सफल हो गया। जदों अमृत वेले जथा श्री ननकाणा साहिब दे अंदर पहुंचिया, श्री दरबार साहिब जिथे चौखंडी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, जाके जथेदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली मथा टेक के उन्हां ड्यूटियां वंड दित्तियां ते आप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया बैठ गए। उधर महंत जिन्हें अपने गुंडे पत्थर दे के कोठे दियां छतां ते बिठाए हुए सन, मोर्चा बंदी करके रिवालवर बंदूकां गोलियां चलाउण दा पूरा प्रबंध ते भट्ठियां दे विच टकुए छवियां कई तरह के हथियार तैयार किए गए। रांझा रिहाणा वर्गे प्रमुख 10 नंबरीए गुंडे जिन्हां दी थाने हाजरी लाउण दा भी प्रबंध किया गया ते इधर पूरी तैयारी दे विच सी। जदों गुरु के सिखां ने आसा दी वार दा कीर्तन शुरू किया, महंत ने इशारा किया, उहदे इशारे नाल गोलियां दी वाछड़ शुरू होई, बार सिंह जिहड़े खड़े सन उह शहीद हो गए। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਛਵੀਆਂ ਤੇ ਟਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੂ ਖੰਡੀ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਧ ਛੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਕਈ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿਖਾ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਹਾਹੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੱਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ ਵੋ ਜੀਨਾ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਖਿਲੌਨਾ ਸਮਝ ਕਰ ਜਿਸਮ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਫੋੜ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਜੋ ਤਖਤ ਨਾ ਹੂਰੋਂ ਕੀ ਹਸਰਤ,
खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। साका ननकाणा साहब ने एक बार इतिहास दोहरा दिता जिहड़ा असी अरदासा विच पढ़दे सां कि जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म ए सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाईयां। वेख्या संसार ने कि फिर उस इतिहास नूं दोहराया गया बड़े शांतमई तरीके दे नाल। गुरसिखां ने शहादतां प्राप्त करके श्री ननकाणा साहब नाल प्रेम करदियां गुरु की भौ भावनी दे विच आपा कुरबान करके श्री ननकाणा साहब नूं आजाद करवाया, जो अजोके समय विच वी प्रेरणा दा स्रोत है कि गुरधामां नाल सिखां दा किस तरह दा प्यार सी। और सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली जिन्हां दी बहुपक्षी सोच जिथे उन्हां दे मन अंदर शहीद होण दा वलवला सी उत्थे ऊच नीच दे भिन्न भेद नूं उन्हां खत्म करन लई लिंग भेद नूं खत्म करन वास्ते बड़े बड़े सार्थक जतन कीते। विद्या मिल सके इसलिए उन्होंने बड़ा वड्डा सार्थक जतन किया। सतगुरु कृपा करन अज समुची कौम बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल उन्हां शहीदां नूं अपना अकीदा अर्पण करन वास्ते इत्थे पहुंची है, जिथे सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली उन्हां दा परिवार बड़ा बागो बाग है दास मिल के आया। उत्थे इस इलाके दीयां संगतां वी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे इस उपराले तों बड़ियां प्रभावित ने। दास ने निजी तौर ते संगतां वे जा के जो संगतां दी आवाज है वह सुनी है कि यह बहुत वधिया उपराला कीता कि जिथे सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली उन्हां दे परिवारक मैंबर रह रहे ने दास उस कमरे नूं वी वेख के आया जिथे माता इंद्र कौर जी रहिंदे सन ते परिवार ने उसे तरह ही वह कमरा रखिया होया कि उन्हां दी याद सदा साडे मनां दे अंदर बनी रहे। कोटान कोट प्रणाम है उन्हां सारियां शहादतां नूं जिन्हां ने जगत गुरु नानक साहब जी दे प्रकाश स्थान श्री ननकाणा साहब नूं आजाद करवाउण वास्ते अज तों 100 साल पहलां अपनियां जानां तक कुरबान करके इस गल दी शहादत भरी सी कि असीं सच हक लई देश कौम लई ते अपने गुरधामां लई आपां कुरबान कर सकदे हां। होईयां भुल्लां तों खिमा कर देना कोटान कोट शुकर साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, अकाल पुरख वाहेगुरु जी दा, आप सारियां संगतां दा, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे परिवारक मैंबरां दा, होर शहीदां दे जिहड़े इत्थे परिवार पहुंचे ने। फिर एक बार गुरु फतेह बुलाउंदा होया दास समाप्ति करदा है, सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी जिन्होंने बड़ी तफसील दे नाल शहीदां दा इतिहास आप जी दे नाल सांझा कीता है। सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी नूं बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले और होर धार्मिक शख्सियतां सन्मानित कर रही ने, और बड़े प्यार सत्कार सहित स्टेज के उपर मैं सद्दा देना चाहवागा साढ़े अति सत्कारयोग भाई नवजोत सिंह जी रबाबी। 15 मिनट वास्ते आप संगतां दे ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ 1923 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਭ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਬਾਬੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राग बसंत महला तीजा हर जियो आपे नाम समाए हर जियो आपे म
मन बसंत हरे सब लोए फल है फूली है राम नाम सुख हो सद बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम रखे गुर तारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक वे तन बिरख राम नाम फल पाए सोए राम नाम फल पाए सोए राम नाम फल पाए सोए हर जियो आपे ले हो मिलाए हर जियो आपे ले हो मिलाए हर जियो आपे हर जियो आपे हर जियो राग मारू श्लोक भगत कबीर जी गगन दमामा बाजियो 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 परियो निशान का जो मांडियो सूरमा खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ अब जूजन को दाओ गगन दमामा बाजियो 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 गगन दमामा बाजियो 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 सूरा सो पहचानी है सूरा सो पहचानी है जो लर दीन के हेत लर दीन के हेत उर्जा पुर्जा कट मरे उर्जा पुर्जा कट मरे कब हूं नशा देखे कबू नशा देखेत गगन दमामा बाजियो 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 गगन दमामा बाजियो 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 परियो निशान का परियो निशान का परियो निशान का
कसमन जाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरों की अपार कृपा ते बख्शिश जिन्हां शहीदां दी बदौलत अज आपां आ जिहड़ा निघ मार रहे धार्मिक आजादी का किते निगाह मारीए उस वेले नूं आपां ध्यान ले जाइए उस पवित्र धरती ते जिस पवित्र धरती ते अज दे दिन सिंघ सिंघणियां कोई करला रहे कोई शहीदियां प्राप्त कर गए ते शहीद भाई लक्ष्मण सिंह जी पुठे टांके थले अग बाली जा रही आ किवें दा समां होऊ किवें सतगुरु जी आप वरत रहे होणगे उन्हां महान शहीदां दी बदौलत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अज समुचे सिख पंथ दा बहुत बाखूबी जिहड़ा अपना ये प्रबंध निभा रही आ। सो मैं बहुत लंबा नहीं बोलना क्योंकि समां बहुत निजमत आ। पहला कल तो परसों तो लगातार कल बीबी जगीर कौर जी साढ़े सत्कारयोग प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दी कमांड थले परसों तो लगातार ये निरंतर प्रोग्राम जारी आ। कल भी बहुत बड़ा समागम नारी सम्मेलन के रूप के भी तो आदक धार्मिक तौर पर भी बहुत बड़ा समागम लोगों ने बहुत बड़ी शमूलियत बीबिया ने की। सो अज चेचे तौर पर साढ़े बिच सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी सिख पंथ की आन ते शान बाखूबी अपना संत सिपाही का वधिया रोल निभा रहे उन्होंने नाल सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी तख्त श्री केसगढ़ साहब जिस तख्त तो सतगुरां ने लब्बे ते लताड़े हुए लोगों नूं एक लड़ी दे विच जात पात खत्म करके एक लड़ी विच पुरवाया सी पहुंचे ने ज्ञानी हरप्रणाम सिंह जी हैड ग्रंथी दुख निवारण गुरद्वारा साहब तो पहुंचे ने बहुत ही सत्कारयोग जिहड़ी आ जथेबंदी जिहदा अज आपां 100 साल मना रहे हां
ਇਹ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਂਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ 71 ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਟੇ ਪਿੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਭਾਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਗਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ SGPC ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਭਾਈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੱਫਰਵਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 84 ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਥਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1984 ਦੇ ਘੱਲੋਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਾਮਤੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਮਾਝੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਾਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸ
महान तख्त दियां सवाबां निभा रहे आ, उत्थे साडे ग्रंथी भी आ सचखंड श्री दरबार साहब जी दे, उन्हां नूं निम्रता सहित बेनती करूंगा वो कृपा करके इस स्टेज ते इधर ही आ जा। इत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन के हेत। साहिब सन्मानयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल, मानयोग बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी याद विच जुड़ बैठे हाँ, जिन्हां ने 100 साल पहला 21 फरवरी 1921 नूं सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन स्थान जिथे गुरु साहब का प्रकाश होया गुरद्वारा जन्म अस्थान ननकाणा साहब जी की हो रही बेहुरमती नूं ना सहारदियां होया 150 दे करीब शहादतां प्राप्त कीतियां सन। सिख राज दे खात्मे तो बाद हिंदुस्तान दे उत्ते अंग्रेज काबज होए और अंग्रेजा ने एक प्रोग्राम उलीकिया कि सिखां नूं गुरबाणी तो गुरधामां तो गुर सिधांतां तो किवें दूर किया जा सकता है, ते अंग्रेजा ने अपने टाउट अपने पिट्ठू वे बेचारी महंता नूं गुरद्वारियां दे उत्ते काबज करवा दिता। और उस वेले एक कानून भी सी कि जो भी व्यक्ति किसी गुरद्वारे ते मंदिर मस्जिद किसी प्रॉपर्टी ते 12 साल का समा इकट्ठा काबज रह जाए तो वह उहदा मालक बन जाया करता सी। इस तरह उन्हां पिट्ठू महंता ने विचारी कुकर्मी महंता ने अपने आप नूं गुरद्वारे साहिबाना दे मालक ही समझना आरंभ कर दिता ते अपनियां मनमानियां गुरद्वारे साहिबाना दे अंदर करन लग पए। जिथे वह नशिया की वरतों करते सन कुकर्म करते सन विचारी सन उथे आप जी ने इतिहास पढ़िया भी है सुनिया भी है कि वह निक्कियां निक्कियां बच्चियां दे नाल कुकर्म करन तो भी परहेज नहीं सन करिया करते। और एक इतिहास के जिक्र मिलता है कि एक बार ते नरैणू महंत ने इथों तक हद कर दिती कि अगस्त 1917 नूं जन्म अस्थान जिथे गुरु साहब का प्रकाश होया उस अस्थान ते एक वेसवा का मुजरा भी करवाया। इन सारिया बेहुरमतियां नूं ना सहारदियां होया 21 फरवरी 1921 नूं भाई साहिब भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली की अगवाई विच 150 दे करीब सिंघां ने शांतमई रह के ननकाणा साहिब जी के पावन अस्थान ते शहादतां प्राप्त कीतियां और सतगुरां दे पावन अस्थान गुरद्वारा जन्म अस्थान ननकाणा साहिब नूं कुकर्मी अते विचारी महंता तो आजाद करवाया। अज आप उन्हां महान शहीदां दी मिठी प्यारी याद विच जुड़ बैठे हाँ। गुरमुख जिथे अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप सब संगत के सो संयोग नाल इस नगर गोदरपुर जिला गुरदासपुर दे विच एक गुरमत समागम करवाया जा रहा है। उत्थे अज ननकाणा साहिब जी की वह पावन धरती जिथे गुरु साहब का प्रकाश होया और 150 के करीब सिंघां ने अज के दिन अमृत वेले उत्थे शहादतां प्राप्त कीतियां सन उन्हां नूं भी अज उत्थे जा के याद किया जाना सी। पर हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान की इस जालम सरकार ने सिख यात्रियों नूं जिन्हां दी गिणती केवल 700 के करीब सी और पाकिस्तान सरकार वालों उन्हां नूं वीजे भी दिते गए और उस जथे दे पाकिस्तान जाके अज दे इस दिहाड़े नूं मनाउण उत्ते पाबंदी लगा दित्ती। उन्हां जथे वाले सिंघां नूं उत्थे जाके अज दा दिहाड़ा मनाउण तों मना कर दिता भाव कि उत्थे अज दे दिन जाण नहीं दिता जिथे आपां पिछले 100 सालां तों उन्हां महान शहीदां नूं याद करदे हां। अरदास दे विच भी आपां जिक्र करदे हां कि जिन्हां नूं जंडा ना बन के साड़िया गया कीमा कीमा कीता गया ज्यौंदे जी भट्ठियां दे विच झोके गए जिथे आपां उन्हां महान शहीदां नूं याद करदे हां उत्थे अज तों आपां इस जालम सरकार नूं भी इस करके याद करना कि वह 100 साल पुराने जख्मां नूं इस भारत सरकार ने खुरेद के ते सिखां दे उस उन्हां जख्मां दे उत्ते मिर्चां पाउण दा काम कीता।
सिखा नूं वीजे दे के और उत्थे ना जाण जाण तों रोक के जिहड़ा ना जाण देना भारत सरकार ने सिख पंथ दे हिरदियां दे उत्ते बहुत ही गहरी और भारी सट मारी है। जिथे आपां उहनां महान शहीदां नूं हमेशा याद करना है उत्थे आपां भारत सरकार नूं वी इह लाणतां हमेशा पाउंदे रहना है कि जिन्हां ने सिखां नूं अज इह शताब्दी मनाउण वास्ते पाकिस्तान ननकाणा साहिब नहीं जाण दित्ता। सो गुरमुख जिन्हां महान शहीदां ने आपा कुरबान करके गुरधाम आजाद करवाए सतगुरु जी दे अस्थाना दी सतगुरु जी दी हो रही बेहुरमती नूं नाम बर्दाश्त करदिआं होइआं शहादतां प्राप्त कीतियां और साडा वी सब दा इह फर्ज बणदा है कि जिन्ना भी हो सके सानूं वध तों वध गुरधामां दा गुरु साहिब दा अदब और सन्मान करना चाहीदा है क्योंकि गुरु हरि साहिब जी महाराज दा वचन है जिन भै अदब नबाणी धारा जाणो सो सिख नाहे हमारा और धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का यह वचन है कि गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई कि मैनू संगत और गुरबाणी तो बिना एक राई मात्र भी किसी होर की ओट नहीं किसी का आसरा नहीं इसलिए हर एक सिख नूं गुरबाणी का अदब करना चाहिए और गुरबाणी का ओट आसरा लैके सानू सारिआं नूं चलना चाहिए। उन्हां महान शहीदां दे चरणां ते नतमस्तक हुंदा होया उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करदा होया आप सब संगत दे पासों किमां दा जाचक हाँ भुल्लां चुक्कां दी खिमा करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी नूं उन्हां महान शहीदां दी याद दे विच सिरपा बख्शे कीता जा रहा बोले सो निहाल। सो धन्नवाद आ सिंह साहब जी का श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बीबी जगीर कौर जी वालों समुचे सारे अहुदेदार बन साहबान ते मैंबर साहबान वालों मैं चाहुंदा सी कि कुछ शख्सियत जिहड़ियां चेचे तौर पर पहुंचियां पर मैं हाथ जोड़ के खिमा चाहुंदा उन्हां सारियां शख्सियत तो जिन्हां शख्सियतों मैं टाइम ना दे सकिया। मेरे सत्कारयोग सरदार बलविंदर सिंह जी भोंदड़ साहब उन्हां दे नाल सरदार गुलजार सिंह रणीके साहब सरदार बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया साहब सरदार सरजीत सरदार दलजीत सिंह जी चीमा साहब उन्हां सारिआं तों ते सारे अहुदेदार साहबानां तों मैं खिमा चाहुंदा। सिख पंथ दीआं सरमौर जथेबंदियां विच्चों बाबा जीवा सिंह जी चेचे तौर पर पहुंचे उन्हां तों भी खिमा चाहुंदा। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਊਂਗਾ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਜ਼ਾਰ ਰਹੇ 700 ਦਾ ਲਗਭਗ ਜਥਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰੋ ਮਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੇਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਠੇ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਸਰਮੌਰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਈਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲਿਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
अकाल। गुरु महाराज की पावन ते पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूपी सात संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां उन्हां महान शहीदां नूं याद करन वास्ते, 100 साल की शताब्दी मनाउन वास्ते अज आपां कट्ठे हुए हैं। जिन्हां जस सिंघां ने ननकाना साहब जाके अपने गुरु धाम नूं महंतां तो आजाद कराउण वास्ते अपनी शहादतां दे दित्तियां। मैथों पहले सिंह साहब ने बड़े विस्तार नाल अज दे साके दी पूरा इतिहास दस्या, किवें अंग्रेजां ने सिख पंथ नूं कमजोर करन वास्ते गुरु धामां दा कंट्रोल महंतां नूं दे दित्ता, ते जिन्हां महंतां ने परंपरा दा ते मर्यादा दा घान कीता, गुरु घरां विच ऐ जे कम करने शुरू कर दिते जिहड़े आपां बयान नहीं कर सकते। फिर सिख पंथ इकट्ठा होया इन्हां गुरु धामां नूं आजाद कराउण वास्ते। 1920 विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया। जो कमेटी का गठन होया अपने लीडरशिप कट्ठी होई, फिर एक उन्हों फैसला किया गया कि आपां नूं एक सियासी पार्टी सियासी जमात की लोड़ है जिहड़ी कौम की लड़ाइयां लड़ सके, कौम की चढ़दी कला वास्ते अगे कम कर सके। ते महीने बाद तकरीबन श्रोमणी अकाली दल का जन्म होया, उहदी भी 100 साल शताब्दी मना रहे हैं। ते उहदे ही 2 महीने बाद जदों जथेदार स्वर्गीय शहीद लक्ष्मण सिंह धारोवाली जी ननकाना साहब गए आजाद कराउण वास्ते गुरु धाम नूं, ते महंतां ने जो कीता उत्थे आपां बयान नहीं कर सकते। इन्ना जुल्म, इन्नी बुरी तरह उन्होंने जो किए काम, ते अज आपां उन्हां शहीदां नूं याद करन वास्ते अज शहीदी परिवार भी अज इत्थे आए है, उन्हां परिवारां दे वंश अज इत्थे आए है जिन्हां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज उन्हां नूं सन्मानित कर रही है। सिख कौम जे दुनिया दे सारे धर्मां दे मुकाबले देखिए बहुत ही छोटी जी कौम है। अपना जिवें कह सकदा है हैडक्वार्टर कौम दा पंजाब है, पर दुनिया दे किसी भी कोने चले जाओ अपने भैन भरा उत्थे बस रहे हैं, किसी भी कोने चले जाओ। अच्छा, दुनिया दे किसी भी कोने चले जाओ अपने भैन भरावां ने मेहनत करके ना कमाया है, अज इन्नी ताकत अपने भैन भरावां ने उत्थे सेवा करके अपना कम करके कमाई है कि उन्हां मुल्कां दे हुक्मरानां नूं भी झुकना पैंदा है थोड़े सामने। ऐ जा ना अपने भैन भरावां ने दुनिया च कमाया। आपां नूं विरसे च गुरु साहिबान ने अपने विरसे च आपां नूं विरसे च या आपां नूं गुठड़ी दित्ती है 2 चीजां दी गुड़ती, सेवा ते शहादत। हिंदुस्तान च नहीं, दुनिया जिथे भी कोई समस्या आ जाए सब तो अगे अपने भैन भरा होंदे सेवा करने वास्ते। जिथे भी जुल्म हो जाए सब तो अगे होंदे अपने भैन भरा शहादत देने वास्ते। देश की आजादी की लड़ाई दे विच सब तो वध मैं पार्लीमेंट च भी किया सी, ते हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट च भाषण किया सी
देश के कोने कोने तो एम पी आए सी उथे क्या सी असी कि देश नू आजाद कराउण वास्ते सब तो वध जे कुर्बानियां दित्तियां ते सिख कौम ने दित्तियां। देश विच भी जे किते भी कोई मुश्किल आ जाए भावें जम्मू कश्मीर चाई भावें गुजरात चाई भूचाल आया ते सब तो अगे सेवा करन वास्ते भी श्रोमणी अकाली दल दे आ सिख कौम रहा। देश की आजादी की लड़ाई जो चाबियां का मोर्चा जितया उदों गांधी जी ने कहा सी चिट्ठी लिख के कहा कि देश की आजादी की पहली लड़ाई सिख कौम ने जिता दिती है। आ इतिहास अपना पर आपां नूं अपने ते बड़े धक्के भी होए हैं, जुल्म भी होए हैं, अपने गुरु धामां ते हमले भी होए हैं, अपने भैन भरावां नूं कतलेआम भी किया गया पर इंसाफ आपां नूं नहीं मिलिया। अज आपां मैं बड़े दुख नाल कहना चाहुंदा है इन्ना इतिहासिक दिन है, इन्ना इतिहासिक दिन है। सिख संगत चाहुंदी सी कि ननकाना साहब जाके इस दिन नूं मना उत्थे जाके जो परिवार जिन्हां ने शहादत दित्ती है उत्थे श्रद्धांजलि दे फुल फुल भेंट करन वास्ते उत्थे अरदास करना चाहुंदी सी संगत ते सारी संगत टीवी राहीं देखना चाहुंदी सी पर बड़े दुख नाल कहना पैंदा बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा सेंटर दी सरकार ने मंजूरी नहीं दित्ती। जो सारियां मंजूरियां आ गईयां जो वीजे भी आ गए सारियां परमिशन आ गईयां अखीरले मौके एक रात पहले पूछना चाहना क्यों दो महीने पहले जथा गया पाकिस्तान उदों क्यों नहीं रोकिया। लोकी जांदे है पाकिस्तान मुख्यमंत्री पंजाब दे रिश्तेदार हुणी गए है पाकिस्तान क्यों नहीं रखा गया पर अज साड़ी कौम नूं रोकिया गया। इस दिहाड़े ते जो शताब्दी है 100 साल की शताब्दी ए तो वड्डा अपने ते हमला कौम ते की हो सकता है। मैं शब्द सख्त तो सख्त शब्दां नाल सेंटर सरकार की निंदा करना चाहना है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री नूं बेनती करना चाहना है तुसी पंजाब का मुख्यमंत्री सारियां दा अपना दा मुख्यमंत्री है पंजाब का मुख्यमंत्री है जिथे अपनी कौम रहिंदी है मुख्यमंत्री पंजाब नूं भी आ सेंटर सरकार को के लेना लेके जाना चाहिदा सी कि क्यों आ परमिशन नहीं दित्ती गई पर अफसोस पंजाब दे मुख्यमंत्री ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। खालसा जी अज आपां हजारां दी गिनती च पंजाब दे कोने कोने तो इत्थे संगतां इत्थे हाजिर होई हैं महापुरख सारे इत्थे आशीर्वाद देने वास्ते आए हैं। मकसद की है अपने विरसे नूं याद कराउणा अपने इतिहास नूं अपनी नवीं पीढ़ियां नूं याद कराउणा अपना इतिहास ऐजा इतिहास है मैनूं लगदा नहीं ऐजा कुरबानी वाला इतिहास किसी भी होर किसी धर्म च होगा जिन्ना कुरबानी वाला इतिहास अपनी कौम च है। मैनूं बड़ी खुशी है मान है कह के कहिंदे कि मुख्यमंत्री जो साहब प्रकाश सिंह बादल सी उहनां दी सोच इक्को इक सी कि सिख कौम नूं चढ़दी कला वास्ते अगे लिजाउण वास्ते सिख कौम दे इतिहास नूं आपां नूं संभालण दी लोड़ है। उन्होंने पूरी कोशिश करके सिख कौम दे विरसे नूं संभालण वास्ते यादगारां बनाईयां विरासते खालसा बनाया छोटे घल्लूघरां दी यादगार जिथे हजारां सिंघां नूं शहीद किया गया वड्डे घल्लूघरां जिथे हजारां सिंघां नूं शहीद किया गया उह यादगारां बनाईयां बाबा बंदा सिंह बहादुर यादगारां बनाई क्यों क्योंकि अज हजारां स्कूल दे बच्चे अपने बच्चे परिवार जिन्हां नूं छोटे घल्लूघरे वाले पता नहीं सी वड्डे घल्लूघरे वाले पता नहीं सी उत्थे जांदे आ ते इतिहास पता लगदा है ते फिर पता लगदा कि अपने कौम ने किवें कुरबानियां दे के किवें औखे समां देखिया किवें जुल्म दे खिलाफ अपनी कौम ने लड़ाई लड़ी। असी पार्लीमेंट च भी मैं कहा सी ते बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा सी कि सिख कौम एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुरुआ ने
दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते अपना सीस कुर्बान कर दिता। सिख कौम कह जी कौम है जिन्होंने गुरु साहबान ने जुलम के खिलाफ लड़ाई लड़ते अपना वंश वार दिता। आता ए जी कौम है, असी तो सेवा करने वाली कौम है पर जुलम के खिलाफ लड़न वाली भी कौम है। तो अज आप उस दिहाड़े ते अज कट्ठे होए हैं 100 साल जिथे शहीदां नूं याद करन वास्ते, उन्हां दे परिवारां नूं सन्मानित करन वास्ते जिन्हां ने अपनी पवित्र स्थान ननकाना साहिब नूं महंतां तों याद करवाउण वास्ते अपनी शहादतां दित्तियां, अज उन्हां नूं याद उन्हां दी याद विच आपां समागम कीते हैं ते श्रद्धांजलि भेंट करन वास्ते आए हैं। फतेह अर्ज करदा हां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधान जी नूं बेनती आ, बेबी जगीर कौर जी प्रधान साहब नूं सिर पौदे गुरु घर की बख्शिश ते इक यादगारी चिन्ह जिहड़ा उह भेट किया जा रहा। बोले सो निहाल। सो धन्नवाद आ प्रधान जी का जिन्होंने चेचे तौर पर समा कढ के तुहाडे नाल जज्बाती पल जिहड़े उह सांझे कीते आ। मैं धन्नवाद करदा संत बाबा ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी जौलां वाले उन्हां वालों चेचे तौर पर 2 बसां भर के आईया, सरदार अजमेर सिंह जी खेड़ा, परिवारां वालों भी सत्कार भेट किया जा रहा। समुचे तौर पर सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाल के परिवार उन्हां वालों प्रधान जी नूं गुरु घर की बख्शिश। बोले सो निहाल। सो बाबा अवतार सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी साडे गुजरात तो साडे बीबी परमजीत कौर जी साबड़ा मनोरिटी कमिशन के जिहड़े चेयरमैन आ चेचे तौर पर पहुंचे उन्हां वालों भी उन्हां सत्कार किया जा रहा। प्रधान जी का बोले सो निहाल। श्री अकाल। बाबा जी नूं बेनती करूंगा संत बाबा अवतार सिंह जी उन्हां नूं भी प्रबंधकों नूं बेनती करूंगा सिर पाओ ते यादगारी चिन्ह लैके आउण। बीबी जी नूं भी परमजीत कौर जी यादगारी चिन्ह भी लै यादगारी चिन्ह। बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले, बाबा जीवा सिंह जी दमदमी टकसाल वाले, संत बाबा ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, संत अजीत सिंह जी वालों जे कोई आए परिवार वह भी कृपा करके स्टेज पर आ जाण। सरदार अजमेर सिंह जी खेड़ा, सरदार सतविंदर सिंह जी टौड़ा, सरदार मगविंदर सिंह जी खापड़खेड़ी, लखा सिंह जी लोधी नंगल, सरदार सुखविंदर सिंह जी सोनू, सरदार रमनदीप सिंह जी संधु, सरदार हरपाल सिंह जी एस पी शहीदां परिवार विचों, कुलवंत सिंह जी मन्नण, सरदार इंद्रजीत सिंह जी शहीदी शहीदां परिवार विचों, सरदार अमरीक सिंह जी शाहपुर, सरदार बिक्रमजीत सिंह जी कोटला, सरदार सरजीत सिंह जी रायपुर, अमरीक सरदार कश्मीर सिंह जी बरियाड़ वो भी चेचे तौर पर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं संत बाबा गेजा सिंह जी करनाल वाले वह भी पहुँचे आ धन्यवाद। हुण मैं बहुत अदब ते सत्कार नाल जीओ आया आखदा सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी सचखंड श्री दरबार साहब जी के मुख ग्रंथी उन्हां नूं भी जीओ आया आखदा। तुहाडा उत्साह ते तुहाडे इकट्ठ तो मैनूं दिसदा कि तुहाडे विच शहीदां दा लहू वह रौ जिहड़ा अज भी चल रहा। मैं होर लम्मा समा ना बतीत करां, बहुत अदब ते सत्कार दे नाल मैं स्टेज ते भी कहूंगा कि आपां शहीदां दा भी सन्मान करना परिवारां दा। हुण मैं निम्रता सहित बेनती करूंगा सिख पंथ की महान शख्सियत, क्योंकि कदों भी जदों
हर एक सिख आदेश नूं उड़ीकदा कि कदों काल तख्त तों काल आवे ते मैं सिक्खी परंपरावां उत्ते पहरा देवां। सो बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार, ओह तुहाडे नाल अपना सुनेहा भी ते महान शहीदां नूं उहनां दी पवित्र याद विच पवित्र गुरबाणी राहीं अज दे अजोके समें राहीं तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। एक जकारा गजाइए फिर आपां सारे उहनां दे विचारां नूं बड़मुल्ले विचारां नूं अपने हिरदियां विच समोईए। बोले सो निहाल जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सतसंगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज समुचा खालसा पंथ श्री ननकाणा साहब की पावन पवित्र धरती दे उते शहीद होने वाले महान योधियां जरवाणियां नूं याद कर रहे हैं। जिथे ननकाणा साहब की पावन धरती दे उते पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समागम किए जा रहे ने ते हजारां सिखां दा उत्थे इकट्ठ है, उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शहीदां दे परिवारां दे इस नगर गोदरपुर दे विच शहीदां नूं याद करन दे लई समागम किया जा रहा है। ननकाणा साहिब 20 सिख जथे ने जाना से उत्थों दे समागमां दे विच शमूलियत करन वास्ते, पर ऐन मौके दे उते भारत दी बीजेपी सरकार वल्लों सिख जथे नूं रोक दिता गया। ननकाणा साहिब दी पावन धरती दे उते हौलनाक घटनावां वापरियां ने। सब तों पहला जिहड़ा महंत ननकाणा साहिब दा बिबचारी होया उसी महंत साधु राम। साधु राम दी मौत तो बाद फिर ननकाणा साहिब दा महंत जिहड़ा सी बनिया महंत कृष्ण दास। महंत कृष्ण दास एक ऐसा दुराचारी महंत सी जिन्हें अपने भतीजे रलिया राम दे विआह दे उते 1911 दे विच श्री ननकाणा साहिब दरबार दे अंदर बेसवावां नचाईयां। असी मस्सा रंगण नूं याद करदे हां, मस्सा रंगण नूं असी लांतां पाउणे हां, पर ननकाणा साहिब दे महंत कृष्ण दास ने अपने भतीजे दे विआह दे मौके दे उत्ते लाहौर तों बेसवावां मंगवा के ननकाणा साहिब दरबार दे अंदर नाच नचवाया। चीफ खालसा दीवान हर साल गुरु नानक साहब जी का गुरपुरब मनाउण वास्ते ननकाणा साहब जांदा सी, उत्थे दीवान लगदे सी, उत्थे लंगर चीफ खालसा दीवान वल्लों हुंदे सी, उत्थे अमर संचार हुंदे सी, लेकिन महंत कृष्ण दास ने चीफ खालसा दीवानां दे उत्ते पाबंदी लगा दित्ती, उन्हां दे तंबू पट दित्ते, उन्हां दीआं स्टेजां उखाड़ दित्तियां कि ननकाणा साहब की पावन धरती तों तुसीं सिखी दी गल नहीं कर सकदे। दुराचारी कृष्ण दास महंत दा जदों अंत होया ते उदू बाद फिर नारायण दास जिन्हों असी नारायणू कहने हैं यह ननकाणा साहब दा महंत बनिया। ते इहदे महंत हुंदिया 1917 दे विच एक वारी फिर ननकाणा साहब दरबार दे अंदर लाहौर दीयां बेसवावां दा नाच होया। 1918 दे विच 6 बीबियां जिहड़ियां दर्शन करन वास्ते गईयां सी उहनां दी ट्रेन छुट गई, वापस वो ननकाणा साहब गईयां ते रात रुकण वास्ते उत्थे ठहरियां ते उन्हां 6 औरतां दे नाल महंत नारायणू दे गुंडियां ने बलात्कार कीता। फिर 13 साल दी एक बच्ची दे नाल नारायणू महंत दे गुंडियां ने बलात्कार कीता। इह सारियां हौलनाक घटनावां दा जदों उस वक्त दे सिखां नूं पता लग्गिया ते उह सिख जिहड़े सी
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 10 ਫੱਗਣ 1921 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ। 2200 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ 2200 ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਐਰਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ,
सिखा ने जदों मारिया आपसी फुट ने मारिया। अज जरूरत इस गल की है कि असी राजनीतिक तौर के उत्ते मजबूत होइए। 1947 तो बाद लगातार पंजाब दे विच्चों सानू राजनीतिक तौर पर खत्म करन दे जतन हो रहे ने, सानू धार्मिक तौर पर खत्म करन दे जतन हो रहे ने, सानू आर्थिक तौर पर खत्म करन दे जतन हो रहे ने और सानू समाजिक तौर दे उत्ते भी खत्म करन दे जतन हो रहे ने। अज असी एक होइए। उस वक्त श्री अकाल तख्त साहब तो पंथ ने एक हुक्मनामा जारी किया 1921 नूं कि 5 अप्रैल नूं समुचा गुरु खालसा पंथ देशां विदेशां दे विच जिथे बैठा है वह ननकाणा साहब के शहीदां नूं याद करे। ननकाणा साहब के शहीदां नूं याद करन वास्ते धार्मिक दीवान सजावे और सिर दे उत्ते कालियां दस्तारां सजावे। उस वक्त रियासतां दे विचों इको रियासत रियासत नाभा जिहदा महाराजा सी महाराजा रिपदमन सिंह, उन्हें खालसा पंथ के हुक्म नूं मनदियां गुरद्वारा घोड़ियां वाला नाभे दे विच 5 अप्रैल 1921 नूं एक बहुत वड्डा स्टेट लैवल का समागम किया और बहुत सारे वड्डी गिणती दे विच सिखां ने कालियां दस्तारां सजाईयां। अबीबी जी बैठे ने, बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले, उन्होंने भी 5 अप्रैल नूं काली दस्तार सजाई पंथ का हुक्म मनदियां। महाराजा रिपदमन सिंह ने काली दस्तार सजाई कि असी शहीदां नूं नमन करते हैं और अंग्रेज सरकार दे असी मूंह दे उत्ते थुकदे हां क्योंकि अंग्रेज सरकार ने महंतां दा पक्ष लिया, महंतां दा पक्ष पूरिया। कोई सजा नहीं सी होई महंत नूं, महंत ते महंत दे सारे गुंडे जिहड़े आ अंग्रेज सरकार ने बरी कीते सी 2-2, 4-4, 5-5 साल बाद। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार महंतां दी पिठ दे उत्ते सी ते अंग्रेज सरकार दा विरोध करन दे लई 5 अप्रैल 1921 सन दे विच नाभे दे विच जिहड़ा स्टेट लैवल का इकट्ठ होया सी बहुत वड्डा इकट्ठ, उस इकट्ठ दे विच एक चरण सिंह शहीद ने कविता पढ़ी सी और वह कविता ऐसी सी जिन्हों सुन के सारियां दियां अखां जिहड़ियां सी नम हो गईयां सी ते सारी संगत जिहड़ी आ ओह रोण लग पई सी। उस कविता का जिक्र उस समय उस इकट्ठ दे विच मौजूद पंथ प्रकाश के करता ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया है ते मैं उस इकट्ठ दे विच पढ़ी गई उस कविता दियां आखरियां पंक्तियां दो जड़ियां पढ़ के मैं समाप्ति करनी है। बड़ा उन्हें कमाल दा लिखिया आखर दे विच, कहिंदा खुदगर्जियां हठ वैर लालच सिखो पठियां च पा दिओ। की कहिंदा ओह? कहिंदा खुदगर्जियां हठ वैर लालच सिखो पठियां च पा दिओ, इतफाक बिल्डिंग दी शहीदी यादगार बना दिओ। और जिहड़ा भारत सरकार ने जत्थे नूं इस वार रोकिया, मैं एक गल्लों भारत सरकार का धन्नवाद भी करदा। क्यों? क्योंकि जदों शहीदी साका ननकाणा साहब होया ते ननकाणा साहब शहीदे साके की खबर जदों सिखां नूं लगी ते सिखां ने मन दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा सी दुख मनाया ते भारत सरकार ने जथा रोक के उस दुख का एहसास सानू कराया, उस दुख का जिहड़ा अनुभव सानू कराया, इसलिए असी भारत सरकार का धन्नवाद भी करते हैं कि अज असी उस दुख नूं महसूस किया जिहड़ा दुख उस वेले दे सिखां ने ननकाणा साहब के साके नूं सुन के जिहड़ा महसूस किया। क्यों? क्योंकि साडा एक स्लोगन भी है कि जबै बाण लाग्यो तबै रुस जाग्यो। असी हर साल ननकाणा साहब के शहीदां नूं याद करांगे। ये सारा महीना अज शाम नूं श्री अकाल तख्त साहब ते समागम हो रहा है। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी कथा करन वास्ते आ रहे ने। श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो असी ऐलान करांगे कि यह दिहाड़ा जिहड़ा ननकाणा साहब के शहीदां दा यह असी मनावांगे और नारायणू महंत दीआं करतूतां दा जिक्र करांगे ते आउण वाले 100 साल तक जिथे इस साके नूं मनाउंदे आ नारायणू महंत दीआं करतूतां दा जिक्र होएगा उत्थे भारत सरकार की इस करतूत का भी जिक्र होएगा कि इन्हें ननकाणा साहब जाण वाले नूं जत्थे नूं रोकिया और साड़ी 100 साल शताब्दी दे विच भारत सरकार ने जत्था रोक के बिघन पाया है। मैं इन्ने शब्दों के नाल एक मैं गल बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद करूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके अज दे इस शहीदी समागमां नूं जिहड़ा है वह सफल किया है। आप संगत की शमूलीयत जिहड़ी है वह दसदी है कि साडे शहीदां दे प्रति साडे मनां दे विच किन्ना तड़प है, किन्नी दर्द है। इन्ने शब्द कहिंदा फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।
ਹੁਣ ਜੈਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਵੱਡ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿੰਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਹਰ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਸ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਕੋਹਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਨਾਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਬਾਬਾ ਅਨਹਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹਿਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ
बोले सो निहाल। हुण बीबी जी ने सम्मानित किया जाना। बीबी 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 जी वालों अज बीबी जी ने सम्मानित किया जाना जी। हुण बीबी जी ने सम्मानित करन तों बाद साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी जिन्हां दीआं वड्डीआं सेवावां ने पुराणा पंथक पछोकड़िया टकसाल नाल संबंधित अस्थान के मुखी ने उहदे नाल नाल इस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुखी ने उन्हां ने हुण संगत नूं संबोधन होना जी। बीबी जी दे आउण दे सन्मान दे विच मैं जकारा छड्डना जोरदार जवाब देना। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हक सच धर्म की खातर बुजदल हुई सिख कौम हलूणा देने वास्ते धन गुरु नानक साहब जी ने फरमान किया सी, जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। जिन्हां महान शहीदां ने इस नूं अपने हिरदे च वसाया, पंथ की चढ़दी कला वास्ते शहीदियां दित्तियां, उन्हां महान शहीदां नूं याद करन वास्ते नतमस्तक होण वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दी पुत्र गोद विच विराजमान प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला साहिबां नमस्कार करो, फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साका बहुत दर्दनाक है, शहादतां ने तुहानू जीवन देना है। फतेह जरा फिर दोबारा गज के बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। क्योंकि असीं इत्थों जिंदगी लैण वास्ते आए हैं, शहीदां तो अगवाई लैण वास्ते आए हैं कि जिंदगी जीवनी किस तरह, जिंदगी का मकसद की है, जिंदगी का सिद्धांत की है, जिंदगी नूं असीं कामयाब किस तरह करने। ये महान योधिया कोलों अज असीं अगवाई लैण वास्ते इकत्तर होए हैं। साका ननकाणा की शहादत का वेरवा आप जी ने श्रवण किया। मेरे तो पहला बहुत मानयोग सिख कौम की महान शख्सियत जैदा श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी रघवीर सिंह जी, तख्त श्री केसगढ़ साहब, बहुत ही महान शख्सियत श्रोमणी अकाली दल दे महान सेवादार, पंथ की महान शक्ति श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब मानयोग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल आप जी नूं संबोधन होके गए। बड़िया उत्तम ते अहम विचारां नाल आप जी नाल सांझ पाई है। उस ननकाणा साहब दे साके नूं जे वार वार दोहराइए, धरती पैरां थलों हिल जाती है, रूह कंब जाती है, दिल दहल जाता है। जिस वेले सिंह साहब व्याख्या कर रहे सन किस तरह जथे चल पए, किस तरह रस्तियां विच रोकिया गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब मास्टर तारा सिंह जी ने हुक्म भेजिया, कुछ जथे उथे रुक गए, पर भाई लक्ष्मण सिंह जी तारोवाली उन्होंने साथी नहीं रुके। एको गल उन्होंने मन सी कि पहला तरन तरन साहब का जो साका होया उथे भाई हजारा सिंह जी, भाई हुक्म सिंह जी की जो श्रद्धांजलि समागम किया गया सी, एक बारी उथे अरदासा सोधिया सी भाई लक्ष्मण सिंह जी होरां ने। फिर अरदासा श्री अकाल तख्त साहब दे ते मीटिंग होई, उथे सो दिता। इथे नगर दे विच बड़िया वड्डिया कानफ्रेंसा कीतियां, इथों तक स्त्री सम्मेलन भी किया। भाई लक्ष्मण सिंह जी अपने जथे दे नाल उथे पहुंच गए। मैं छोटे शब्दां च समाप्ति कर देनी। जिस वेले पहुंचदी है अंदर दाखिल हुंदी है
भाई लक्ष्मण सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया से सज जाते हैं, बाकी सिंह गुरुद्वारा साहब च कब्जा करके बैठ के। जो नारायणू भगत नारायणू महंत को पता लगा गोलियां चल गई, छवियां चल गई, कट्टा वड्डी हो गई, जो तेल कट्ठा किया सी वो तेल सुट सुट के जीवंदियां नूं सार दिता गया। मैनू उस गल की हमेशा ही बहुत मन नूं ठेस पहुंचती है जो मैं गल सुनती है कि भाई साहब जी जदों लक्ष्मण सिंह जी ताबिया ते बैठे सन गोलियां नाल भुन्ने गए खून नाल लथपथ होए तो उसने गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया ते बैठे ने जफा मार लिया गुरु ग्रंथ साहब नूं कि किते कोई गोली गुरु ग्रंथ साहब की हिक च ना लग जाए, मेरे गुरु की हिक च ना लग जाए। आप लहू लुहान हो गया, खूनो खून हो गया, फिर भी हिक विच गोली जा लगी। गुरु प्यारियो फिर एक सीन होर दर्दनाक जिहड़ा है जो लाशां कट्ठियां कीतियां जा रही हैं, खून धोता जा रहा है, तो उस वेले छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा अपने बाप केर सिंह दे नाल जरगदा रहण वाला जो जान लग्या बापू कित्थे चलिया, कहण लगा मैं ननकाणा साहब शहीद होण चलिया, मैं भी जाणा है। कहिंदा तू की करेगा, कहिंदा मैं भी शहीद होना। दादी कहिंदी नहीं जाणा, कहिंदा दादी मां तू ही ते मैनू सिखाया कि छोटे साहबजादे 7 साल दे 9 साल दे सन नीहां च चिणे गए, ते आपे तू कहिंदी सी कि छोटे छोटे भी शहीद हो गए, फिर मैं भी शहीद होण जावांगा। यह जज्बा एक दादी मां ने कहानियां सुना सुना के ये दरबारा साहिब दे हिरदे विच भर दित्ता सी। जदों उत्थे गए वह दरबारा साहिब नूं एक बारी है, अज भी तुसीं जाके देखोगे गुरुद्वारा साहिब च, उस बारी दे विच बंद करके बाहरों कुंडी ला दित्ती, सारे शहीद हो गए। जो लाशा कट्ठे करदे आ विचों चीकां आईआं, आवाजां आउंदीआं, बापू आप शहीद हो गए हैं, मैं भी शहीद होना सी। जो आवाज आई तो उन्होंने बुच्छड़ा ने देखिया बारी खोली 8 साल का बच्चा, उन्होंने खिंच के धू के जो शहीदी शहीदी कर रहा है जीवंदे नूं उस चिखा में सुट दिता जिथे तेल पा के चिखा सड़ रहा। सत संगत जी जरा याद करो इन्होंने शहीदों, जब अपनी अखा सामने सील ला के आओ कि ननकाणा साहब के गुरुद्वारे के अंदर उस वेले की हालात हो गए, किवें सिखां ने सुनेहा सुन के वीहरां कत दित्तियां। उत्थे जदों पहुंच गए 2000 दा जत्था लैके, हुणे सिंह साहब आप जी सुना के गए कि उन्होंने पुछया किद्दां आए हो, कहिंदे तुसीं दसो की चाहुंदे हो। अखीर विच फैसला होके उत्थे दा प्रबंध दे दित्ता गया। यह प्रबंध गुरुद्वारियां दे एवें नहीं मिले, यह प्रबंध गुरुद्वारियां दे एवें नहीं मिले। गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच हजारां सिखां ने जिथे कुर्बानियां दित्तियां उत्थे श्रोमणी अकाली दल सिंह सभावां, चीफ खालसा दीवान, खालसा कॉलेज श्री अमृतसर के प्रोफेसर साहबान बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, बहुत वड्डियां उन्होंने वियोता बनाईयां। सतसंगत जी मैं तो केवल 2-4 मिनट होर आप जी दे लैणे, बड़ा मन करदा तुहाडे उत्साह नूं वेख के, तुहाडी श्रद्धा नूं वेख के, तुहाडे सत्कार नूं वेख के मैं उस इतिहास नूं छोवां जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर तों बाद सिखां दे की हालात होए सी, जो बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दिल्ली दे शहीद किए गए, किस तरह शहीद किए सी। 4 साल का उसका पुत्र अजय सिंह जिसका कलेजा कट के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूंह विच पाया सी, बाद विच उसनु शहीद किया गया। तुहाडे इतिहास दी कड़ियां बड़िया डूंगियां ने, तुहाडे इतिहास दी कड़ियां बड़िया दर्दनाक ने। 800 के करीब शहीद उस वेले सिख किए गए दिल्ली दे विच, शहीद लुक गए, सिख इधर उधर खज्जल खुआर होने लगे, चले गए जंगलों में। उस वेले इदां दी दहशत हो गई सी कि सिख शब्द जिहड़ा सीगा वह उन्होंने दुश्मन समझे जा रहे सन। इहो जिहे हालातों चों निकली तुहाडी कौम, अज फखर नाल सिर उच्चा करके क्या करो, फखर नाल क्या करो, असी उस दे वारस हां जिन्हां सिखां ने इस कौम की खातर अपना आपा कुर्बान कर दिता। असी कित्थे बैठे हैं, असी कुर्सियां पिछे, असी पार्टीबाजी पिछे, असी मजबां दे विच, असी जाता पिता पाता पिछे,
ਅਸੀਂ ਚੌਧਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਹੋਏ 71, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਵਰਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਸਤ ਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 400 ਸਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਗਏ, 31 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ,
असी केवल नमस्कार ही कर सकते उन्होंने जीवन तो सेध ही ले सकते हैं। पर मैं बेनती करांगी जिथे माता इंद्र कौर जी ने जाके सदे दे नाल अपनी सहेलियां नू नाल लैके उत्थे पहुंचे उन्होंने याद में गुरुद्वारा साहब च गुरु के लंगर का हाल तैयार किया जाना है। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बेनती करांगी कि उहदा असी लंगर का हाल तैयार करांगे माता इंद्र कौर जी के नाम दे। हर शहीद जड़ा होया हर शहीद इस इलाके का ही नहीं भावे जरगदा होया भावे कोई होया हर शहीद के पिंड उस गुरुद्वारे जा उस स्कूल दे विच एक लाइब्रेरी जड़ी है सिख इतिहास की जिथों असी सेध ला सकीए हर शहीद के पिंड जड़ी है उसारी जाएगी तो उन्होंने वधिया ढंग नाल सिख कौम का प्रचार प्रसार वास्ते वरती जाऊ। हर समय के उत्ते हर साल जिथे इन्हां शहीदां नूं याद किया जाया करेगा उत्थे इसे तरह गुरमत समागम जिहड़े सजाया करेंगे। सो मेरी बेनती है इन्हां गुरद्वारे दे विच इन्हां स्कूलां दे विच धार्मिक टीचर जिहड़ा वह दिता जाए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी देवेगी हर शहीद के पिंड विच तां जो उन्हां नूं धार्मिक विद्या के तौर उत्ते जोड़िया जा सके। होर भी क्योंकि परिवार वालों मेरे इको हुक्म सी असी कुछ नहीं मंगते बस इको करियो सिख कौम के वारसों एक अपील कर दियो सिख कौम के वारसों अपने शहीदों ना भुलियो सिख कौम के शहीद एक सरमाया होंगे तकड़े होके रहो। अज जिस तरह भारत सरकार की गल आई है इन्हों लोगों की जरूरत ना पवे जे असी वक्खरियां वक्खरियां बोलियां ना बोलीए साडियां वक्खरियां वक्खरियां जबानां विचों भारत सरकार उस तरह साडे नाल सलूक करदियां जिदा मुगलों ने किया अहमद शाह अब्दाली वर्गिया ने किया अंग्रेजा ने किया कित जरूरत ना पवे इन्हों लोगों की जे तुसी सारे इकट्ठे होके अपने पंथ की चढ़ती कला मंगो। मैं आने वाले समय च तुहाडे कोलों आस रखागी कि सारे इकट्ठे होके हमला मारो। एक बेनती मैं लास्ट विच करनी है सतसंग जी ये संस्था तुहाडी है तुसी बहुत प्यार करदे हो तुसी जान मारन नूं तैयार हुंदे क्योंकि तुहाडे बजुर्गों ने इत्थे खून पाया है तुहाडे बजुर्गों ने सीने की मिज के नाल खुराक पाई है। इस संस्था नूं कोई आंच ना आवे ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है। मैं गलत हो सकती है कोई मैंबर गलती कर सकता है कोई मुलाजम गलती कर सकता है जां कोई साडे निजम च जां साडे सेवा च जां साडे कोई प्रबंध च कोई छोटिया मोटिया गलतियां समय नाल 100 साल च कोई हुई होणगियां तुहाडे मन नूं ठेस पहुंची होएगी तुहाडे मन नूं सेक लगा होएगा तुहाडे मन नूं पीड़ा होई होएगी। मैं सारी संस्था दे सारे सेवादारां वल्लों सारे प्रबंधकां वल्लों हाथ जोड़ के आप जी को खिमा दी जोचक हाथ जोड़ के आप जी को खिमा मंगदी है आने वाले समय च इस संस्था नूं होर उच्चा चुकिया जा सके तुहाडे सहयोग की मंग करदी है। अपना सहयोग दिओ क्योंकि संस्था तुहाडे सिर ते खड़ी है तुहाडी संस्था है अपनी संस्था नूं इसे तरह महान बनाई रखो पंथ चढ़ती कला च जाए श्रोमणी अकाली दल चढ़ती कला च जाए ये पंथ हमेशा हमेशा तुहाडियां सेवावां करदा रहे। इन्हां शब्दां दे नाल मैं अंत विच फिर सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाडा खेत उन्हां महान शहीदां दा नमस्कार करके फतेह बुलाउनी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत दा सिद्धांत जिथे राजनीति ते धर्म दा समेल आ उत्थे अज तुसी सारे जिहड़े इत्थे पहुंचे जे तुसी उस गल दे प्रतीक जे। मैं बेनती करूंगा साध संगत नूं कि महापुरखां दा सन्मान किया जाना शहीद परिवारां दा सन्मान किया जाना उहने समय वास्ते पंडाल दे विच बैठे रहण दी कृपालता कारण बीबी जी नूं सन्मानित किया जा रहा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हुण शहीद परिवार वालों भाई लक्ष्मण सिंह जी के परिवार वालों सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने सन्मानित किया जाना उपरंत महापुरखों नूं सन्मानित किया जाना शहीद परिवारों नूं सन्मानित किया जाना। जिवें मैं गल कर रहा सां कि गुरमत दे विच
राज नूं कोई पासा नहीं किया गया ते अज तुहाडे उत्ते बड़े वड्डे वार किए जा रहे ने, बड़िया अजिहियां शक्तियां पैदा कीतियां जा रही ने, जिहड़े कुछ धार्मिक कैड कोई जुडिशियल कोई दूसरे तरह के राजनीतिक वो तुहाडे खिलाफ प्रचार करके ते साडे जिहड़े आगू बैठे ने ये आगू साडा भविख ने, इन्हां नूं संभाल के रखना साडी जिम्मेवारी आ। विरोधियों ने बहुत कुछ कहना हुंदा पर जिस तरह तुसीं अज ये कोई राजनीतिक सभा नहीं हैगी, तुसीं एक धार्मिक जज्बे नाल अपनी जिम्मेवारी नाल आए जे उस जिम्मेवारी नूं उस जज्बे नूं जिहड़ा ओह बरकरार रखदिआं तुसीं अज शहीदां दे परिवारां नूं सन्मानित करना। बीबी जी शहीदां दे परिवारां नूं सन्मानित करन लगे ने, सर रजिंदर सिंह धामी शहीद परिवारों के नाम बोलणगे ते उपरंत बाबा जी के महापुरखों के जिहड़े आ उह नाल आण के सन्मानित करनगे। इन्हीं बेनती कर रहा बुलाउणा हां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सब तो पहला सत श्री अकाल भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली का परिवार, सरदार दुर्लभ सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी एस पी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी भुजराज, ये कृपा करके स्टेज पर आ जाओ। आप पिछले पासे थोड़ा जा थां छड़ दिओ तां कि शहीदों के परिवारों नूं सत्कार भेट किया जा सके। भाई दुर्लभ सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी भुजराज, एक एक करके पहला सरदार दुर्लभ सिंह जी, सरदार दुर्लभ सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी, इधर हो जी, सरदार हरपाल सिंह जी एस पी साहब, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, सरदार सुखदेव, सरदार सतविंदर सिंह जी टौड़ा, सरदार जमेर सिंह जी खेड़ा के कृपा करके हैगे तो इधर नूं आ जाण, सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार हरपाल सिंह जी भुजराज, भुजराज वालों भाई सुंदर सिंह जी के शहीदी परिवार वालों सरदार मुख्तार सिंह जी, सरदार मुख्तार सिंह जी, सरदार सुखदेव सिंह जी, सरदार सुरिंदर सिंह जी मैनेजर भाम, बोलेवाल तो भाई ईसर सिंह जी के परिवार वालों सरदार अमरजीत सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह जी, बोलेवाल सरदार अमरजीत सिंह जी भाई ईसर सिंह जी के परिवार वालों, भाई आत्मा सिंह जी के परिवार वालों जथेदार बलदेव सिंह जी, भाई महात्मा सिंह जी के परिवार वालों जथेदार बलबीर बलदेव सिंह जी, भाई पंजाब सिंह जी के परिवार वालों सरदार सरबजीत सिंह जी, भाई पंजाब सिंह जी के परिवार वालों सरदार सरबजीत सिंह जी, भाई मूला सिंह जी के परिवार वालों सरदार गुरदयाल सिंह जी, भाई चेत सिंह जी के परिवार वालों सरदार मूला सिंह जी,
ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਾਂ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਚੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਵੋ ਗਾਂ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਆ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਆਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦਾ ਬਜਟ, ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਦਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ,
भाई किशन सिंह जी के परिवार वालों सरदार लखा सिंह जी, भाई नारायण सिंह जी के परिवार वालों सरदार कमलदीप सिंह जी,